आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ सारे एपरेटस के बारे में। जो भी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में आपके ग्लास पेयर्स यूज होते हैं, ग्लास एपरेटस यूज होते हैं, उनके बारे में, उनके नामों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। अक्सर एग्जामिनर जो होता है वो वाइवा में सबसे पहली चीज आपसे यही पूछेगा कि कौन सा एपरेटस का नाम क्या है। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं सारे जो मोस्ट कॉमन हमारे एपरेटस होते हैं उनके नाम क्या क्या होते हैं और क्या क्या उनका यूज होता है, कॉमन यूज क्या क्या होता है। सबसे पहले जो मेरे हाथ में आपको दिख रहा है ये है बीकर, इसे कहते हैं बीकर। अब ये बीकर जो होता है वो क्वांटिटी के हिसाब से छोटा और बड़ा भी हो सकता है। जैसे आपको दिख रहा होगा इस पर 250 लिख रहा है, तो इसमें हम 250 ml क्वांटिटी किसी भी लिक्विड की, पानी की, किसी भी रिएजेंट की यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। देन हमारा जो नेक्स्ट एपरेटस है वो है हमारा फलक। ये जो आपको कीप जैसा दिख रहा है, इसे आम भाषा में हम कीप कहते हैं, कोन जैसा दिख रहा है, असल में इसका जो नाम होता है वो होता है फनल। इंग्लिश लैंग्वेज में या केमिस्ट्री लैंग्वेज में हम इसे फनल कहते हैं। इसका काम क्या होता है, जैसे हमें कोई भी जो केमिकल है, मान लो हमें कोई केमिकल इस बीकर में करना है सावधानी से कि वो फैले ना, तो हम इस फनल के थ्रू उसको पलट सकते हैं, उसको इस बीकर में डाल सकते हैं, ठीक है। देन हमारा जो नेक्स्ट एपरेटस है वो है ये। आपको कुछ चिमटे जैसा दिख रहा होगा, इसको असल में हम बोलते हैं टोंग्स। टोंग्स हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसे किसी भी टेस्ट ट्यूब को आसानी से पकड़ सकते हैं इस तरीके से। तो ये होता है टोंग, ठीक है, इसे बोलते हैं हम टोंग। देन नेक्स्ट एपरेटस है हमारा वॉच ग्लास। वॉच ग्लास बायो वाले स्टूडेंट्स भी यूज करते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट वाले भी यूज करते हैं। इसको बोलते हैं हम वॉच ग्लास। जैसे आपको कोई केमिकल पाउडर लेना है, कोई केमिकल लेना है जो सॉलिड फॉर्म में है, तो आप इसमें आसानी से लेकर उसका वजन नाप सकते हो, ठीक है। लेकिन जब हम वजन नापते हैं तो पहले इसका वजन नापते हैं, देन हम उस मशीन को जीरो करते हैं, फिर हम उसमें केमिकल डालकर, मतलब इसमें केमिकल रखकर उस केमिकल का वेट करते हैं, ठीक है। तो ये कोई भी केमिकल लेने के काम आ सकता है आपके। देन हमारा जो नेक्स्ट एपरेटस है वो है ये, इसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब। अब टेस्ट ट्यूब का क्या काम होता है, जैसे कोई भी रिएजेंट आपको कम क्वांटिटी में लेना हो तो एक मेजरमेंट होता है कि आपको इतना केमिकल, मतलब जो भी केमिकल है, मान लो आपको H2SO4 यूज करना है, तो बुक्स में या आपके जो टीचर होंगे वो आपको बोलेंगे कि आपको एक टेस्ट ट्यूब H2SO4 यूज करना है। तो टेस्ट ट्यूब का काम होता है किसी भी लिक्विड रिएजेंट को मेजर करना, ठीक है। ये है टेस्ट ट्यूब, इसी का मैं आपको बड़ा फॉर्म दिखा देती हूँ। ये हो गई बड़ी टेस्ट ट्यूब। जनरली जो टेस्ट ट्यूब होती है वो 10 ml की होती है, और ये जो बड़ी वाली है मेरे पास, ये 25 ml की है। टेस्ट ट्यूब पर लिखा हुआ होता है कि कितना उसका क्वांटिटी है, कितना उसका मेजरमेंट है। देन हमारे पास जो आपको ये बॉटल दिख रहा है, ग्लास बॉटल दिख रहा है, इसको हम कहते हैं केमिकल जार। इसमें हम केमिकल को बनाकर स्टोर करके रख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर केमिकल्स क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में आते हैं, हमें उन्हें लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ऐसी बॉटल्स आपको आमतौर पर पूरी डैम में रखी हुई मिल जाएंगी। उसमें क्या होता है, हम अपना केमिकल को स्टोर करके रखते हैं। ये इसका कॉर्क है, कॉर्क कह लो, या आप इसको इसका ओपनर कह लो, ठीक है। तो ये इसका कॉर्क होता है जिससे हम बॉटल को क्लोज कर सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट एपरेटस है ये। अब ये क्या होता है, ये भी टेस्ट ट्यूब होल्डर है। जैसे ये टोंग है उसी तरीके से ये टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है। इसमें इस तरीके से एक ओपन और क्लोज करने के लिए एक चीज लगी हुई होती है। अब इसको अगर मैं नीचे कर दूं तो ये ओपन हो जाता है, यहाँ पर मैं टेस्ट ट्यूब को फिक्स करूंगी, वापस से मैं इसको ओपन कर दूंगी तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा टेस्ट ट्यूब होल्डर। देन हमारे पास नेक्स्ट एपरेटस है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, या फिर हम इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फ्लास्क। अब देखो इसकी पहचान क्या होती है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की गर्दन जो होती है, जो नेक पार्ट होता है, वो हमेशा ही इतना लंबा होता है, और जो उसका बॉटम पार्ट है वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर, ठीक है। अगर दोनों चीज़ को अगर हम कंपेयर करें तो जो बॉटम पार्ट है वो बहुत छोटा है और जो हमारा नेक पार्ट है वो बहुत बड़ा है। तो ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। जब भी हम वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं तो जो सॉल्यूशन की प्रिपरेशन होती है वो हम इसमें ही करते हैं। अच्छा, इसकी एक खासियत होती है, या जो भी एपरेटस होते हैं उसकी एक खासियत होती है, आपको इसकी नेक पर एक ऐसे सर्कल बना हुआ दिखाई देगा। इस सर्कल का क्या मतलब है कि अगर ये क्वांटिटी इसकी 100 ml है तो इस सर्कल तक जैसे ही लिक्विड आएगा आपका 100 ml पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सर्कल का आप ध्यान देना, पूरा यहाँ तक मत भरना, केवल इस सर्कल तक हमारा 100 ml पूरा हो जाएगा। देन सेम चीज इसकी भी है, जो इसका ये कवर है इसको भी हम कॉर्क बोलते हैं, जो इसको क्लोज करने के काम आती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एपरेटस है, ये है हमारी वॉश बोटल या वाटर बोटल। इसको सिंपल क्या करते हैं, जैसे हमें मान लो हमें इसमें ही जो सॉल्यूशन है उसको पूरा करना है, ठीक है। अगर हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क
फ्लास्क में सॉल्यूशन को पूरा करेंगे और जब हम इसमें पानी डाल रहे होंगे तो अगर हम चौड़ी चीज से डालेंगे तो वो बहुत जल्दी ऊपर तक निकल आएगा। तो एक्यूरेसी के लिए हम वॉश बोतल से उस पानी का यूज़ करते हैं ताकि ड्रॉप बाय ड्रॉप हम यहाँ तक पानी आसानी से पहुँचा पाए। ठीक है, तो इसमें हम इसको हम वॉश बोतल बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एप्रेटस है वो ये है, छोटा सा एप्रेटस, इसको बोलते हैं G4 सिंटर्ड क्रूसिबल। बहुत पूछा जाता है ये, मतलब एग्जामिनर इसको बहुत पूछते हैं क्योंकि कम बच्चों को ये पता होता है। तो ये होती है G4 सिंटर्ड क्रूसिबल। ये क्या, उसके बाद हमारे पास जो अगला एप्रेटस है वो ये ट्यूब जैसा एक स्ट्रक्चर, असल में हम इसे कहते हैं पिपेट। ठीक है, जब हम टाइट्रेशन कर रहे होते हैं तो सॉल्यूशन को हम इसकी मदद से सक आउट करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास बीकर से सॉल्यूशन है तो इसको इस तरीके से रख कर हमें इसको थंब से क्लोज करना होता है और माउथ की हेल्प से हम इसमें से सॉल्यूशन को सक आउट करते हैं। अब इसकी भी खासियत होती है कि इसमें भी यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ होता है। उस सर्कल का सिंपल सा मतलब यही है कि जो भी इसकी क्वांटिटी है इस सर्कल तक आकर वो सॉल्यूशन पूरा हो जाएगा, उतनी क्वांटिटी पूरी हो जाएगी। तो इसका नाम है हमारे पास पिपेट। ठीक है, अब पिपेट के बाद जो हमारा अगला एप्रेटस है वो है ये। अब देखो इसकी जो शेप है क्या है, सिलेंडर जैसी शेप है। तो इसका नाम भी क्या होता है, मीजरिंग सिलेंडर इसका नाम होता है। ये भी मीजर करने के लिए काम आता है, जो भी लिक्विड सॉल्यूशन है हम उसको मीजर करने के काम में इसको ले सकते हैं आसानी से। ज़्यादातर क्या होता है, जो भी हमारे एसेज वगैरह होते हैं अगर हमें एक्यूरेसी के साथ नहीं करना है तो हम इसकी हेल्प आसानी से ले सकते हैं। तो इसका नाम है मीजरिंग सिलेंडर। हमारे पास नेक्स्ट एप्रेटस है ये कढ़ाई जैसा एक स्ट्रक्चर। असल में ये इस कढ़ाई का नाम क्या होता है, इस कढ़ाई को हम बोलते हैं वाटर बाथ। ठीक है, वाटर बाथ की हेल्प से हम क्या करते हैं, अब देखो जैसे आपको ये दिख रहा है इसके अंदर खाली जगह है, इसकी हेल्प से क्या करते हैं, मानो हमने इसमें पानी भरा, उस पानी को हम करेंगे बॉयल और उस पानी को बॉयल करने के साथ साथ हम इसके ऊपर रख सकते हैं अपना बीकर या अपना जो भी चीज, जिस भी उसमें हमारा लिक्विड जिसको हमें गर्म करना है। कभी भी हम जो सॉल्यूशन होते हैं वो ज़्यादातर क्या होता है, डायरेक्टली हीट आउट नहीं करते हैं, तो वाटर बाथ की मदद से वाटर की जो हीट निकलेगी उसकी मदद से हम अपने सॉल्यूशन को गर्म कर सकते होंगे। अब इसकी एक और खासियत है कि अगर मैं पानी की जगह सैंड भर दूँ तो उसको कह दिया जाएगा सैंड बाथ। ठीक है, सैंड का भी क्या काम होता है, जैसे सैंड जब गर्म होता है तो उसकी हीट से भी हम सॉल्यूशन को गर्म कर सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट सॉल्यूशन, नेक्स्ट जो एप्रेटस है वो है ये। अब देखो इसकी पहचान क्या है, इसकी जो शेप है कैसी है, कोन जैसी है और फ्लास्क तो ये है ये, तो हम क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे कोनिकल फ्लास्क, कोन जैसा फ्लास्क, तो इसका नाम होता है कोनिकल फ्लास्क। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एप्रेटस है ये है ड्रॉपर। ड्रॉपर की सिंपल सा हमने सबने देखा है, ड्रॉपर तो जनरल हम लाइफ स्टाइल में भी यूज़ करते हैं, कोई भी सॉल्यूशन को हम यहाँ से सक आउट कर सकते हैं, यहाँ से इसको ले सकते हैं इसमें और इससे ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये है हमारा ड्रॉपर। देन नेक्स्ट एप्रेटस है हमारा ये जाली। ये जाली किस काम में आती है, असल में जब हम हीट करते हैं किसी भी चीज़ को तो हीट के ऊपर हम ट्राइपॉड स्टैंड पर ये लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसको जो आपको जो इस पे ये सफ़ेद मटेरियल दिख रहा है ये जलता नहीं है, ये किसका बना होता है, ये एस्बेस्टॉस का बना हुआ होता है। तो इसके थ्रू जो हीट पास आउट होती है उससे बीकर खराब नहीं होता है, इसलिए हम इसको रखते हैं ट्राइपॉड स्टैंड पे, देन हम बीकर को हीट करते हैं। इस एप्रेटस का नाम होता है वायर गॉस। क्या नाम होता है, वायर गॉस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एप्रेटस है ये, इसका नाम होता है सिंपल सा, ज़्यादा आपको इसका यूज़ करने को नहीं मिलेगा लेकिन हमें पता होना चाहिए नाम। तो इसका नाम होता है विस्कोमीटर, और इसी की तरह एक सेम होता है जो सिंगल स्ट्रैंड में होता है, उसका नाम होता है स्टेलेनोमीटर। ठीक है, ये है स्टेलेनोमीटर और ये है हमारा विस्कोमीटर। उसके बाद देखते हैं क्या बचा, देन हमारे पास है ये रैक। अब ये रैक किस काम में होती है, जो भी हमारे पास ट्यूब टेस्ट ट्यूब्स होती है उनको हम इस तरीके से इसमें पुट आउट कर सकते हैं। तो इस रैक का नाम है टेस्ट ट्यूब रैक। ठीक है, ये कहलाती है टेस्ट ट्यूब रैक क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब रखने के काम आ रही है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एप्रेटस है वो है ये। अब देखो ये क्या है, असल में इसका जो पहचान है वो क्या है, इसका जो बेस है, इसका जो बॉटम है वो कैसा है, राउंड है ना, इसलिए हम इसे राउंड बॉटम फ्लास्क भी कहते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क भी कहते हैं। इसी का एक बड़ा वर्जन भी है, अब वो क्वांटिटी के हिसाब से होता है, इसकी क्वांटिटी कम है, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, ये 1000 ml वाला है, ये 250 ml वाला है, ये भी क्या है,
हमारा कांच का स्ट्रक्चर है ब्यूरेट, और ये जो हमारा प्लास्टिक वाला पूरा सा एपरेटस है जो होल्डर है जिसमें ब्यूरेट हमने लगाई हुई है वो होता है ब्यूरेट होल्डर, ब्यूरेट होल्डर। ठीक है, ब्यूरेट किसमें काम आती है, हमारे टाइट्रेशन में सबसे ज्यादा काम आती है ब्यूरेट। इसके अलावा एक लास्ट चीज ये बची, ये जो हमारे पास कागज रखे हुए हैं ये होते हैं फिल्टर पेपर। कोई भी जब हम सॉल्यूशन फिल्टर आउट करते हैं तो फिल्टर पेपर की मदद से करते हैं। इसका काम क्या होता है, इसमें से जो पानी होता है वो नीचे निकल जाता है और जो हमारा सॉलिड सॉल्यूशन रह जाता है, सॉलिड रह जाता है केमिकल, वो इसके ऊपर हमारे पास रखा रह जाता है। लास्ट ये हमारा ब्रश, ब्रश किसके लिए, क्लीनजिंग ब्रश है। जैसे आपको टेस्ट ट्यूब साफ करनी है, पिपेट साफ करनी है, आप इसको डालकर उसमें ब्रश की मदद से साफ कर सकते हैं। तो ये सारे थे हमारे जो भी कॉमन एपरेटस केमिस्ट्री लैब में यूज होते हैं जो आपके प्रैक्टिकल में बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि आप जब प्रैक्टिकल करोगे तब भी ये काम आएंगे और आपके वाइवा में भी एग्जामिनर आपसे इन सब के बारे में पूछेगा। ऐसे ही और वीडियोस मैं लाती रहूंगी आपके लिए जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको सारे एपरेटस समझ में आ गए होंगे। आपको कोई भी परेशानी हो आप मुझसे कमेंट